सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कपलर का। फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे, क्रिएट स्केच लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट में लेते हैं। ओके, कपलर 2 इंच का कपलर हम बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन हम लेते हैं ये सॉकेट बॉटम, ये बॉकेट बॉटम डायमीटर होता है, इसको हम बॉटम डायमीटर या सॉकेट बॉटम भी बोलते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा 54 का। ओके, इसको हम सेंटर से कोऑर्डिनेट कर देते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कोऑर्डिनेट पॉइंट से। ओके, दूसरा लाइन लेते हैं हम इंट्रेंस का, सॉकेट इंट्रेंस, इसका डायमेंशन लेते हैं, इसका 54 है, सेकंड वाले का 54.5। इसको सेंटर से अलाइनमेंट दे देते हैं। ओके, और इसके बाद ये लाइन को इस लाइन से मर्ज कर देते हैं। अभी हमारा ये हो गया सॉकेट बॉटम डायमीटर और ये सॉकेट इंट्रेंस डायमीटर, और ये बीच का हमारा जो है उसको सॉकेट लेंथ बोलते हैं। सॉकेट लेंथ हमारा हो गया 43.5 है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम वॉल देते हैं, वॉल अपना 4.5, दोनों साइड 4.5 वॉल दे देते हैं। ओके, ये लाइन और ये लाइन इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इक्वल लेंथ इक्वल कर देंगे। ओके, अभी देखिए हमारा हमेशा स्केच बनाते वक्त एक चीज हम मेक श्योर करेंगे कि स्केच हमारा ऑलवेज फुली कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि हम गलतियों से बच सकें। ये हो गया, इसके बाद यहाँ से लाइन लेते हैं। आर्टिकल बनाते वक्त एक चीज हमेशा दिमाग माइंड में रखेंगे हम कि हमें मोल्ड डिजाइन कैसे करना है, पाटलाइन कैसे लेना है, उसके हिसाब से हम आर्टिकल डिजाइन करते हैं। कहाँ पे टेपर देना है, कहाँ पे टेपर नहीं देना है, कहाँ पे एंगल देना है, वो सब माइंड में लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, तो आप गौर फरमाइए। ओके, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा टेपर देते हैं, इधर भी सेम, और दोनों साइड यहाँ से मेक सिमेट्रिक कर देते हैं दोनों लाइन को, ताकि ये सेंटर से दोनों इक्वल रहे सेंटर लाइन से। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट मिस्टेक आ रही है, तो एक काम करते हैं यहाँ से इसको 0.2 का यहाँ पे डिग्री दे देते हैं, तो 90.2 इधर हो गया, 0.2 का टेपर हो गया। सेम प्रोसेस इसको भी करते हैं 90.2, कुछ अलग तरीके से यार। ये दो चीज हो गया, इसके बाद यहाँ पे एक स्टॉपर डालते हैं, जैसे पाइप हमारा यहाँ से एंट्रेंस करेगा, ऐसे एंट्रेंस करेगा तो यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से एक लाइन 3 mm का, 3 mm का नहीं 2 mm का लाइन देते हैं। ओके, यहाँ पे सेम इधर भी एक लाइन देते हैं, ये लाइन और ये लाइन को इक्वल लेंथ कर देते हैं, और इसके बाद ये दोनों को सेंटर से ये इतना जितना है दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो उसके लिए हम मेक सिमेट्रिक कर देंगे, ये लाइन को सेंटर से मेक सिमेट्रिक। अभी सेंटर से दोनों इक्वल लेंथ पे हो गए, और इसके बाद डायमेंशन इसका देते हैं, तो 54 ये था, तो इसको हम 52 कर देते हैं, ताकि 1 mm का दोनों साइड दोनों तरफ स्टेप हो जाए, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये जो लाइन है इसको हम, इस लाइन का भी एक अपने पास दो डायमेंशन अभी बता रहा है, यानी कि ये दोनों का डायमेंशन पूछ रहा है कितना देना है, तो इसको हम ये सेंटर जो लाइन है इसके लाइन से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे दें। अभी ये हमारा स्केच फुली कांस्टेंट हो गया, आधा कपलर का हम बना चुके हैं, इसको हम मिरर करके सेकेंड पार्ट्स भी बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ से मिरर ऑप्शन ले लेते हैं, मिरर करने के लिए कनेक्टेड कर्व है, एक दूसरे को सबको सिलेक्ट करते हैं जितना लाइन अपने को चाहिए। अभी ये अपने को ये लाइन नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिंगल कर्व ले लेते हैं, ये सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सभी सिलेक्ट हो गया, अब इसको सेंटर लाइन दे देंगे जिसके थ्रू हमें मिरर करना है, ये लाइन के थ्रू हमें मिरर कर देते हैं, और ये हमारा ओके। अभी हमारा ये कपलर बन के रेडी हो गया, फिनिश स्केच करके हम देख लेंगे, तो ये हमारा कपलर रेडी हो गया।
इधर से पाइप आएगा, इधर से पाइप आएगा, यहाँ पे दोनों स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ से हम टेपर दिए हैं क्योंकि जब हम पार्टी लाइन लेंगे यहाँ से सेंटर लाइन से पार्टी लाइन ले रहे हैं तो इधर ये कैविटी में जाएगा, इधर कोर में जाएगा, तो दोनों साइड टेपर रहेगा तो इजिली आर्टिकल रिलीज हो जाएगा। तो ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये कपलर का हम 2D बना दिए, अभी हम इसका 3D बनाते हैं। कपलर का 3D बनाने के लिए सिंपल ऑप्शन रिवॉल्व यूज करेंगे। रिवॉल्व के द्वारा सेकेंडों में हम बना सकते हैं। रिवॉल्व यूज किए और इसके बाद यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आता है, सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट फीचर। तो इसमें से हम सिंगल कर्व भी ले सकते हैं, कनेक्टेड, सिंगल मतलब कोई एक कर्व लेंगे, कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ जितना भी कर्व है वो सिलेक्ट हो जाएगा, टेंजेंट मतलब टेंजेंट जो प्रोफाइल में रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है रीजन बाउंड्री कर्व, सबसे बेस्ट ऑप्शन है रीजन बाउंड्री कर्व। इसके लिए एक चीज होता है कि इसमें ये अप्लाई होता है जब एक सेक्शन बना होता है, चारों तरफ से बाउंड्री टाइप में कुछ चीजें रहती है तो वो सिलेक्ट करता है। देखिए सेक्शन मांग रहा है तो सेक्शन हमें ये रिवॉल्व करना है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा वेक्टर, किस वेक्टर के थ्रू हमें घुमाना है इसको, तो सेंटर वेक्टर देते हैं जेड का। इस वेक्टर को क्लिक करने के बाद ये हमारा 360 डिग्री यहाँ पे डायमेंशन दे देंगे, 360 एंगल, तो 360। अगर हम यहाँ पे 180 देंगे तो ये 180 घूमेगा, ये देखिए 180 घूमेगा। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज 360 रखेंगे तो ये पूरा कपलर ओके हो जाएगा। अभी ये फाइनली कंप्लीट हुआ है, सही बना है नहीं बना है, इसको चेक करने के लिए हम सेक्शन व्यू लेते हैं, कंट्रोल एच करके सेक्शन व्यू लेते हैं। सेक्शन व्यू लेके आप ऐसा देख सकते हैं प्रॉपर, तो देखिए हमारे स्केच के ऊपर ये प्रॉपर बना हुआ है। तो ये हमारा कपलर रेडी हो गया, इसको हम कलर दे देते हैं, यहाँ से रेड कलर, रेड या कॉर्नफ्लावर, ये तो हमारा ये कपलर ओके हो गया।